कंसंट्रेशन सेल पढ़ेंगे, ठीक है, जैसे इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में हम लोग डैनियल सेल पढ़ेंगे एग्जांपल, उसी तरह से इलेक्ट्रोकेमिकल सेल का एक और एग्जांपल है कंसंट्रेशन सेल। इसमें सब कुछ सेम रहेगा, इलेक्ट्रोड भी सेम रहेगा, कैथोड एनोड दोनों सेम रहेगा। दोनों की तरफ जो दो चैम्बर बनाएंगे रेडॉक्स कपल बनाने के लिए वो भी सेम ही रहेगा, इलेक्ट्रोलाइट भी सेम रहेगा, चैम्बर अलग अलग होगा लेकिन इलेक्ट्रोलाइट भी सेम होगा। जैसे कॉपर कॉन्सेंट्रेशन सेल हो तो कैथोड और एनोड दोनों ही कॉपर होगा, तो दोनों तरफ हम कॉपर इलेक्ट्रोड ही लगाएंगे और दोनों तरफ हम कॉपर सल्फेट ही यूज करेंगे। डिफरेंस सिर्फ इतना होगा कि दोनों चैम्बर में जो हम यूज करेंगे कॉपर सल्फेट का तो उसका कॉन्सेंट्रेशन डिफरेंट होगा, एक का कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा होगा दूसरे का कम होगा, ठीक है। तो जब हम लोग कॉन्सेंट्रेशन सेल जो बनाते हैं जनरली क्या बनाते हैं, ये बीच में रहेगा परफोरेटेड सेपरेटर, ठीक है, ये बीच में है, समझ गए, मतलब इससे आर पार हो सकता है, मतलब एक दूसरे के कांटेक्ट में रहेगा, ठीक है ना। तो ये जो सेपरेटर लगा हुआ है ये पोरस बैरियर, इसको क्या बोलेंगे हम लोग, पोरस बैरियर, पोरस समझते ही हो, पोरस बैरियर मतलब इलेक्ट्रोलाइट इधर से इधर जाएगा नहीं, लेकिन दोनों का चार्ज एक दूसरे के कांटेक्ट में आ जाएगा और न्यूट्रलाइज हो जाएगा, समझ गए। अब इधर भी कॉपर ही है, इधर भी कॉपर ही है, ये भी कॉपर है, ये भी कॉपर है, दोनों कॉपर ही है, इधर भी कॉपर सल्फेट ही है, ठीक है, इधर भी कॉपर सल्फेट है का एक्वस सॉल्यूशन है, इधर भी कॉपर सल्फेट का एक्वस सॉल्यूशन है, दोनों तरफ, ठीक है। अब हो करना क्या है, तो एक तरफ जो है दोनों तरफ कॉपर रॉड ही है, दोनों तरफ कॉपर सल्फेट ही है, तो जिधर एनोड जिसको बनाना है, एनोड किधर बनाते हैं, लेफ्ट साइड या राइट साइड, तो उधर कॉन्सेंट्रेशन कम है, उधर जो है कॉन्सेंट्रेशन कम है। तो मान लो कि हम इधर जो है कॉपर सल्फेट का कॉन्सेंट्रेशन 0.01 ml, ठीक है, इधर कॉपर सल्फेट का कॉन्सेंट्रेशन क्या रखे 0.01 है, और इधर कॉपर सल्फेट का कॉन्सेंट्रेशन रख देते हैं 1 है, बहुत डिफरेंस हो गया, बहुत ज़्यादा डिफरेंस हो गया ना, मतलब तो अच्छा डिफरेंस रखना है, लार्ज डिफरेंस रखना है कॉन्सेंट्रेशन, ठीक है। तो अब क्या हो गया, ये जो है लो कॉन्सेंट्रेशन जिस में जिस रॉड को डुबाएंगे वो हमारा एनोड, लो कॉन्सेंट्रेशन में जिस रॉड को डुबाएंगे वो हमारा एनोड होगा, एनोड होगा मतलब क्या होगा, जिससे कॉपर आयन निकल के इसमें जमा होगा, कॉपर आयन निकलेगा और इसमें जमा होगा, यहाँ रिएक्शन क्या होगा कि यहाँ से यहाँ निकलेगा, कौन आएगा, कॉपर आयन आएगा, और इलेक्ट्रॉन कहाँ चला जाएगा, इसी पर इलेक्ट्रॉन जाके इसी पर जमा, तो एनोड क्या होगा, नेगेटिवली चार्ज हो गया था, हो गया, आई बात, इधर हम जोड़ेंगे ऊपर, यहाँ जैसे हम जोड़ देंगे, ठीक है, एक स्विच लगा देंगे, ठीक है, और यहाँ पर गैल्वेनोमीटर लगा देंगे, ठीक है ना, वोल्टेज नापना है या जो भी नापना है, समझ गए, जोड़ दिए, क्लियर। अब जो है यहाँ तो ये सॉल्ट ब्रिज का काम ये कर रहा है, ये हमारा सॉल्ट ब्रिज है, सेपरेटर है ही ना, है परफोरेटेड है, तो इधर का चार्ज इधर का, जो फेनोमेनल जो पढ़ा है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में शुरू में डैनियल सेल का एग्जांपल लेकर के, सारा चीज वही होगा, यहाँ भी इलेक्ट्रोड पोटेंशियल इधर जनरेट हो जाएगा, इधर भी इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जनरेट होगा, इधर रिडक्शन पोटेंशियल, इधर ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, उसी तरह से ये चार्ज यहाँ पॉजिटिवली चार्ज यहाँ आ रहा है पड़ जाएगा, पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा, और ये रॉड नेगेटिवली चार्ज हो जाएगा, इन द सेम वे यहाँ पर क्या हो जाएगा, इधर से इलेक्ट्रॉन आएगा
और इससे जो है कॉपर सल्फेट से कॉपर आयन निकलेगा, है ना, Cu2+ आएगा, जमा होते जाएगा, ये मोटा हो जाएगा, फिर ये धीरे धीरे, समझ गया, Cu2+ आएगा और कॉपर के रूप में जमा हो जाएगा, और ये धीरे धीरे क्या होगा, पतला होता जाएगा, ये धीरे धीरे पतला हो जाएगा। तो इधर क्या होगा, आ रहा है इलेक्ट्रॉन और यूज होता जा रहा है, ये क्या हो जाएगा, पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा, और यहाँ पर गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है, इसका मतलब क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है ना, तो रिडक्शन जहाँ होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कैथोड बोलते हैं, आई बात समझ, कैथोड बोलते हैं। और इधर ऑक्सीडेशन हुआ, इधर जो है ऑक्सीडेशन हुआ, क्लियर, आई बात समझ में। तो जब हम लोग फॉर्मूला लाए तो क्या लिखे थे, क्या लिखे हम, एनोड बाय कैथोड, यही लिखे हैं, तो एनोड बाय कैथोड हमको रखना है, तब जो है कॉन्सेंट्रेशन इधर ज्यादा है और इधर कम है, ठीक है। तो क्या करेंगे हम लोग, इसका कॉन्सेंट्रेशन को इन जनरल अगर हमको बनाना है तो इस कॉन्सेंट्रेशन को C1 मान लेते हैं, इन जनरल अगर बनाना है तो इस कॉन्सेंट्रेशन को C2 मान लेते हैं, अगर जनरल एक फॉर्मूला आपको कॉन्सेंट्रेशन सेल के लिए जनरेट करें। अब इसका सेल रिप्रेजेंटेशन कैसे लिखें, इसका सेल रिप्रेजेंटेशन लिखना पड़ेगा तभी ना बनेगा, है, तो सेल रिप्रेजेंटेशन जैसे लिखते हैं वैसे लिखना है। अब हम लोग सेल रिप्रेजेंटेशन लिखते हैं, क्या है, Cu पहले एनोड का लिखते हैं कि कैथोड का, पहले एनोड का लिखते हैं, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, Cu2+ जो है Cu में, Cu जो है Cu2+ में कन्वर्ट हो रहा है, तो Cu जो है Cu2+ में कन्वर्ट हो रहा है, उसका कॉन्सेंट्रेशन हम कितना लिए हुए हैं यहाँ पर, 0.01, ठीक है, आया बात समझ, सॉल्ट ब्रिज हो गया बीच में, है। और इधर क्या हो रहा है, इधर रिडक्शन हो रहा है, Cu2+ जो है इसका कॉन्सेंट्रेशन कितना लिए हुए हैं, 1, है ना, और ये कन्वर्ट हो रहा है Cu, यही ना हमारा, ये हो गया हमारा एनोड और ये हो गया हमारा कैथोड, ठीक है। और इसको हम लोग क्या से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, इसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं C1 से, और इस कॉन्सेंट्रेशन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं C2 से, ठीक है। तो अगर हमको ई सेल निकालना होगा क्या लिखेंगे, E0 सेल, ठीक है, यही ना, माइनस 0.0591 बाय एन, ठीक है, लॉग पहले ऊपर में क्या लेते हैं, कैथोड या एनोड, एनोड क्या है, C1 ना, हाँ, तो हो गया C1, और ये हो जाएगा नीचे C2, समझ में आया, यही होगा। अब देखो E0 सेल तो 0 हो जाएगा क्योंकि दोनों तरफ तो सेम ही है ना, दोनों तरफ तो सेम ही है, दोनों तरफ कॉपर इलेक्ट्रोड ही है ना, तो कॉपर इलेक्ट्रोड का रिडक्शन पोटेंशियल तो सेम रहेगा हमेशा, तो 0 हो जाएगा E0 सेल, यहाँ पर E0 सेल जो है 0 हो जाएगा, क्योंकि E0 सेल क्या निकलेगा, E0 सेल को हम क्या लिखेंगे, यही लिखेंगे, माइनस दोनों से क्या चीज है, दोनों एक ही हो गया, 0 होगा कि नहीं, E0 सेल के बदले हम यही लिखेंगे फॉर्मूला, दोनों तरफ तो सेमी इलेक्ट्रोड है, सेमी इलेक्ट्रोलाइट है, तो यही लिखेंगे फॉर्मूला, इसका वैल्यू और इसका वैल्यू दोनों तो सेम ही रहेगा ना, इसीलिए E0 सेल क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, नॉट सेल 0 हो जाएगा। तो इसीलिए हम लोग क्या लिखेंगे, नॉट सेल का वैल्यू 0 हो गया, 0.0591 अपॉन एन लॉग
सी वन बाय सी टू, ठीक है। अब ये माइनस हटाना है तो क्या करेंगे, 0.0591 अपॉन एन, और उल्टा कर दो इसको, इसको ऊपर इसको नीचे कर, ठीक है ना। और यहाँ याद रखना है सी टू इज ग्रेटर देन सी वन, सी टू इज ग्रेटर देन सी वन, ठीक है। जिसका कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है वही ना होगा कैथोड, आई बात सुन, जिसका कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है। अच्छा ऐसा यहाँ क्यों लिखे, ऐसा इसलिए लिखते हैं क्योंकि यहाँ पर कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज होता है कैथोड में, और एनोड में कॉन्सेंट्रेशन बढ़ता है आयन का। कैसे बढ़ता है, ये जिंक रॉड गलते जा रहा है, ये जिंक रॉड होते हैं, कॉपर है ना, तो यहाँ जो कॉपर रॉड है धीरे धीरे कॉपर आयन में बदल रहा है, तो यहाँ तो नंबर ऑफ आयन्स बढ़ रहा है, और यहाँ कॉपर सल्फेट का कॉपर आयन निकल के इस रॉड पर जमा हो रहा है कॉपर के रूप में, तो यहाँ पर आयन का कॉन्सेंट्रेशन घट रहा है और यहाँ पर आयन का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ रहा है ना। ऑक्सीडेशन चैम्बर में कॉन्सेंट्रेशन आयन का बढ़ रहा है ना, क्योंकि रॉड धीरे धीरे गलते जा रहा है ना, रॉड जो है धीरे धीरे आयन में कन्वर्ट हो रहा है, तो यहाँ तो नंबर ऑफ आयन बढ़ते जा रहा है ऑक्सीडेशन चैम्बर में। लेकिन रिडक्शन चैम्बर में क्या हो रहा है कि जो ये इलेक्ट्रोलाइट है उसी का आयन जा रहा है और रॉड के ऊपर जमा हो रहा है, मेटल में कन्वर्ट हो गया, तो आयन तो घट रहा है यहाँ पर। तो रिडक्शन पोटेंशियल जहां है, जहां रिडक्शन चैम्बर है वहां नंबर ऑफ आयंस घट रहा है, और जहां ऑक्सीडेशन है वहां आयन बढ़ रहा है। इसीलिए हमको, क्योंकि यहां आयंस घटेगा तो यहां ज्यादा आयंस रखना होगा, इसीलिए इसका कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है। कैथोड का कॉन्सेंट्रेशन क्यों रखे, कोई भी इलेक्ट्रोकेमिकल सेल लेंगे, दुनिया का कोई भी इलेक्ट्रोकेमिकल सेल लेंगे तो जो रिडक्शन चैम्बर है उसमें रिडक्शन होता है, रिडक्शन होता है मतलब क्या हुआ, आयन जो है मेटल में कन्वर्ट हो रहा है, तो नंबर ऑफ आयंस घट रहा है रिडक्शन चैम्बर में। जो इलेक्ट्रोलाइट है उसका आयंस निकल निकल के रॉड के ऊपर जमा हो रहा है मेटल के रूप में, तो कॉन्सेंट्रेशन आयन का घट रहा है ना, तो जब आयन का कॉन्सेंट्रेशन घटते जाएगा वहाँ सफिशियंट अमाउंट में हम आयन नहीं देंगे तो बहुत जल्दी बैटरी खत्म हो जाएगा ना। तो इसीलिए हम लोग क्या करते हैं कि जिधर रिडक्शन हो रहा है उधर कॉन्सेंट्रेशन को हाई रखते हैं, ताकि वहां तो आयन खर्च होगा, वहां तो आयन का खर्च होगा ना, आयन खर्च हो रहा है तो ज्यादा आयन रखेंगे तब तो हमको ज्यादा देर तक सर्विस देगा, ज्यादा देर तक इलेक्ट्रिसिटी तभी तो हमको मिलेगा ना, इसीलिए उधर आयन का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाना है, इसीलिए हम लोग रिडक्शन चैम्बर में कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा रखते हैं, आई बात है ना। और ऑक्सीडेशन चैम्बर में चूंकि आयन जेनरेट होता है तो कॉन्सेंट्रेशन आयन का अपने बढ़ रहा है, ठीक है। यही तो इक्विलिब्रियम है कि एक तरफ आयन का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ रहा है दूसरी तरफ घट रहा है, यही एक समय पहले क्या होगा कि शुरुआत में रेट बढ़ा हुआ रहेगा, धीरे धीरे दोनों तरफ रेट सेम है, उसमें पोटेंशियल जीरो हो जाएगा। जब आयन घटने का रेट और आयन बढ़ने का रेट बराबर हो जाएगा तो इक्विलिब्रियम में आ जाएगा, पोटेंशियल जीरो हो जाएगा, पोटेंशियल डिफरेंस जीरो हो जाएगा सेल का, तो आयन के कॉन्सेंट्रेशन में जब डिफरेंस होगा तभी ना एक्सचेंज ऑफ आयंस होगा, अगर नहीं रहेगा तो क्या होगा, एक्सचेंज ऑफ आयंस नहीं होगा क्योंकि दोनों तरफ तो सेम ही रखे हुए हैं, आई बात समझ में। तो इसलिए कॉन्सेंट्रेशन सेल में हमको कॉन्सेंट्रेशन के ऊपर ध्यान देना होगा, रिडक्शन चैम्बर में कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन रखते हैं और इधर ऑक्सीडेशन चैम्बर में डाइल्यूट सॉल्यूशन रखते हैं, ठीक है ना, ये याद रखना है, नहीं तो इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो नहीं होगा, ठीक है ना, क्योंकि इधर कॉन्सेंट्रेशन घटता है आयन का, तो हमको बढ़ा के रखना पड़ेगा कॉन्सेंट्रेशन, ताकि घटते घटते भी एक मिनिमम लेवल पे, और इधर बढ़ता जा रहा है ये मैक्सिमम लेवल पे पहुंचेगा, और दोनों में एक इक्विलिब्रियम इस्टेब्लिश हो जाएगा, जैसे इक्विलिब्रियम इस्टेब्लिश हो जाएगा इलेक्ट्रिसिटी मिलना हमको, आई बात सुन, जितना ज्यादा इस चैम्बर और इस चैम्बर के कॉन्सेंट्रेशन में डिफरेंस होगा उतना देर तक हमको इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है, आई बात सुन लो, और उतना ज्यादा पोटेंशियल डिफरेंस भी होगा, वोल्टेज भी ज्यादा मिलेगा, क्लियर, आई बात सुन में।